हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यह है आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन। मेरा यहीं पे पोस्टिंग हुआ है एज ALP और मैं काठगोदाम में ही रहता हूं। तो आज मैं आपको काठगोदाम स्टेशन का भ्रमण कराऊंगा और साथ में जो काठगोदाम में पहाड़ियां हैं, हिमालय की शिवालिक जो रेंज है उसमें आपको घुमाऊँगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप देखिए, ये काठगोदाम के सामने एक होटल है, रेस्टोरेंट है, उसका व्यू है और यह है काठगोदाम स्टेशन का फ्रंट व्यू। देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है। और पीछे आपका जो दिख रहे हैं पहाड़ियाँ दिख रही हैं, अभी उसमें भी आपको ले जाऊंगा, उधर हम टहलने जाते हैं। अभी ये देखिए आपका काठगोदाम स्टेशन का जो फ्रंट व्यू है वो, और ये देखिए ये मैं हूँ और पीछे जो दिख रहा है काठगोदाम स्टेशन है। और इधर जो सीढ़ी दिख रहा है जिसे चढ़ के मैं ऊपर आया था, यहाँ पर जो भी पैसेंजर आते हैं जिनको ट्रेन पकड़ना होता है तो थोड़ा वेट करना होता है, तो यहाँ पर वो बैठे रहते हैं, यहाँ पर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, बैठे रहते हैं। तो आज आपको काठगोदाम की पहाड़ियों में घुमाऊंगा। उससे पहले आप देख लीजिए स्टेशन के पास क्या क्या है। ये देखिए पौधे लगे हुए हैं, मस्त सजाया गया है इसे। और जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंट पे है, वो हमारा रनिंग रूम है रेलवे का और लॉबी भी उधर है, उसका गेट है दूसरी तरफ। बाकी ये देखिए ये जो रेस्टोरेंट है उसका पार्ट है, यहाँ भी लोग आराम करते हैं। अभी कोविड की वजह से भीड़ कम चल रहा है, लोग नैनीताल ट्रिप पे कम आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है और ट्रेनें भी बढ़ रही हैं। अभी मैं आपको यार्ड में ले चलूँगा तो दिखाऊँगा आपको प्लेटफॉर्म कैसा है। और बाकी आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं पीछे उधर भी घुमाने ले जाऊँगा। ये देखिए आपका इधर पीछे की तरफ टिकट घर है आपका, और ये जो रोड है इसी रोड को पकड़ के हम जाते हैं घूमने। काठगोदाम का मेन गेट था, इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं ट्रेन पकड़ना है किसी को, तो ये काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है उसका मेन गेट है, इधर से आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और ये उसके सामने पौधे लगे हुए हैं, और ये जो ऊंचाई पे इसके सामने जो रेस्टोरेंट था ऊंचाई पे बनाया गया था। ये देखिए ये आ गया मैं प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और देखिए कुछ ट्रेन लगी हुई हैं यहाँ पर, इनका डिपार्चर टाइम अभी नहीं है, अभी इवनिंग में आया हूँ, इस समय कोई ट्रेन नहीं है इसलिए यात्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। 8 बजे के आसपास ट्रेन है, उस समय यात्री दिखाई देते हैं। शाम को भी एक ट्रेन रहता है लेकिन वो डेली नहीं रहता है, तो आज नहीं है, तो ये सही टाइम था वीडियो शूट करने का। बाकी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, पीछे देखिए टंकी है, यार्ड है, देखिए क्या मस्त नज़ारा है आपको, चारों तरफ पहाड़ है। एक तरफ से बस निकलने का रास्ता यूपी की तरफ जाने के लिए बरेली की तरफ, देखिए पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर बाहर रोड है, उसी रोड पे मैं इससे पहले था और ये अंदर आ गया हूँ, उसी रोड को फिर से पकड़ के बाहर घूमने भी जाते हैं, ये दिखाऊंगा वहाँ जाऊंगा तो। बाकी चलिए आपको दिखा देते हैं और भी प्लेटफॉर्म कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे 4 रनिंग लाइन है, बाकी 6 लाइन है, पिट लाइन है और साइडिंग है, सिलेक्टेड एंड भी है। बाकी ये देखिए प्लेटफॉर्म, इवनिंग में जब हमारा ड्यूटी नहीं रहता है तो इधर आते हैं टहलने आते हैं, कभी कभी यहाँ आके बैठते भी हैं, घूमते हैं इधर। अभी आपको ले चलता हूँ और भी प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी आपको वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा, व्यू भी अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए वो काठगोदाम का बोर्ड लगा हुआ है, उधर की तरफ से मैं जाऊँगा, लास्ट यहीं तक ट्रेन आती है इधर, एक काठगोदाम इस साइड का लास्ट स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाता है। देखिए आगे पुल बना हुआ है और ट्रैक यहीं तक है। ये देखिए काठगोदाम स्टेशन का बोर्ड है, मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा, देखिए तो दिखाऊँगा क्या है इधर। और ये इधर से देखिए, इधर से बंद है अभी, इधर से निकलने का रास्ता नहीं है, और इस साइड आपको दिखाऊँगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। और देखिए यहीं तक लाइन एंड हो गया है यहाँ पर, इसके आगे ट्रेन नहीं जाता है। ये इधर से नैनीताल का ये क्या है लास्ट स्टेशन है। और बाकी ये देखिए और भी प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आएगा। अभी इससे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, और बीच में 1 और 2 प्लेटफॉर्म के बीच में आपकी लाइनें हैं 1, 2 और 3। बाकी चौथी लाइन इधर है, लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 4 इस पर ट्रेन खड़ी है। और इसके बाद आपकी 6 लाइन पिट लाइन है, पिट लाइन में ट्रेन का धुलाई उलाई होता है, ये देखिए ऐसे इधर। और
ये देखिए दिख रहा होगा सब आगे तक है पूरा साइड तक, और बाकी ये जो दीवार दिख रहा था ये देखिए लाइन है, आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। और इधर से ये गेट है, इसके पीछे ये दीवार के ही पीछे एक रोड है, उसी रोड को पकड़ के हम जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं उधर घूमने जाते हैं। अभी आपको उधर ले चलता हूँ मैं, चलिए इधर से जो गेट है यहाँ से आपको रोड दिखा देता हूँ कि कौन से रोड पे जाना है हमें। ये देखिए गेट है, और देखिए ये इधर से झांकने पे दिखाई दे रहा है जो रोड, यही रोड है, इसी रोड पे अभी मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि हम यहाँ पे रहते हैं तो किधर टहलने जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये अभी स्टेशन के बाहर आ गया जो रोड दिख रहा था वहाँ से, और इसी रोड को पकड़ के वो जो गेट से रोड दिखाया आपको उस पर जाऊँगा। देखिए आ भी गया, अभी आ नहीं गया, अभी जा रहा हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा तुरंत, वीडियो रोक के फिर से वहाँ से शूट करूँगा। और ये देखिए ये रोड है, इस रोड पर अभी जाना है हमें, इधर जिधर से कार आ रहा है तो मैं जाऊँगा अभी। और ये आ गया उस रोड को पकड़ते हुए पुल पर, इस पुल पर हम घूमने आते हैं। और ये देखिए एक नदी टाइप का है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पानी प्राकृतिक स्रोत से आ रहे हैं, प्राकृतिक स्रोत से। चलिए रोड पार करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ चली जाएंगी तो मैं रोड क्रॉस करूँगा। और ये आ गया मैं इस पार, और ये देखिए पीछे आपका दिखाई दे रहा है, देखिए मस्त दिख रहा है आपको। इसमें देखिए कुछ लोग नीचे भी गए हुए पानी के पास, तो पीछे में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, अभी उस मंदिर पर चलूँगा, उस मंदिर पर जाते हैं कभी, वहाँ पर कुछ टाइम व्यतीत करते हैं और कुछ सोचते हैं, जो भी विचार विमर्श है खुद से उसे करते हैं। और ये देखिए अभी फिर से उस पार चलता हूँ रोड के, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके चले जाने के बाद तो आपको और दिखाऊंगा वहाँ से कैसे पहाड़ दिखाई देते हैं। ये देखिए बैक कैमरे से पहाड़, आपको ये शिवालिक रेंज है हिमालय का, इन्हीं पहाड़ियों के बीच बचा हुआ बसा हुआ है आपका काठगोदाम स्टेशन। देखिए कार जा रहा है, अभी धीरे धीरे शाम आ रहा है, दिन ढल रहा है, सूर्य अस्त होने वाला है, और आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगा, नाइट में कैसा दिखाई देता है, मज़ा आने वाला है आपको, बस बने रहिए वीडियो में। ये देखिए ये क्रॉस कर गया पुल, और देखिए पानी वहाँ से गिर रहा है, और ये पहाड़ियाँ देखिए बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, दूर दूर तक पहाड़ हैं, अभी तो सबसे कम हाइट वाले पहाड़ हैं। अभी यहाँ से आपको नैनीताल जाना पड़ता है काठगोदाम से, 50-60 रुपये बस से किराया लगते हैं, 30-35 किलोमीटर है यहाँ से, और ऊंचाई पे ही चढ़ना होता है, वहाँ ट्रेन नहीं जाता है, वहाँ पर बसें जाती हैं और कार से जाते हैं, या बाइक से जा सकते हैं आप, बाइक किराए पर भी मिलते हैं जाने के लिए आपको। और ये देखिए ये इस रोड को पकड़ के मैं जाऊँगा, इधर घूमने जाते हैं, देखिए इस रोड पे आ गया, और इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, देखिए हाइट पर चढ़ रहे हैं, नीचे ढलान से देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, कैसे रोड पहाड़ियों को काट काट के बनाया गया है, पहाड़ियों के किनारे किनारे। ये देखिए इसी को पकड़ के मैं भी जा रहा हूँ, और इधर से मैं आया था, इधर जाना है, इधर घूमने जाते हैं। ये देखिए मंदिर का गेट है यहाँ पे, अभी मैं आऊँगा मंदिर के अंदर को दिखाऊँगा, और इधर हम चलते हैं, कहते हैं देखिए ये आ गया मैं इधर से चलते हुए, और इधर घूमने जाते हैं। देखिए पीछे से ये कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, इधर ऊपर के चढ़ जाते हैं, खड़ा खान है इधर, और यहाँ से हम ऊपर टहलने की तरफ जाते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोगों का पोस्टिंग है सभी टहलने जाते हैं शाम को, हेडक्वार्टर पर रहते हैं तो ड्यूटी नहीं लगा रहता है, तो बाकी यहाँ पे बैठ के भी टाइम पास करते हैं लोग। ये देखिए पीछे नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से आया था मैं, और यहाँ पे एक ये पहाड़ पे पेड़ भी होते हैं, सीधा ऊँचा पहाड़ है, किनारे रोड बना हुआ है, देखिए उधर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए अब वापस चलते हैं, इवनिंग हो गया है, आपको मंदिर भी दिखाया है, और बाकी वहाँ से जो नाइट में व्यू क्या रहेगा पहाड़ियों का वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी चल रहा हूँ, देखिए इसी रोड पर हम टहलने जाते हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं और कुछ लोग वापस आ भी रहे हैं, और इधर थोड़ा खतरा भी होता है ज़्यादा ऊपर जाने से, शेर और भी निकल सकते हैं, इधर शेर आ सकते हैं, जंगली जो शेर होते हैं, चीता हो जाता है, वो आ सकते हैं इधर। और ये देखिए ये और भी पहाड़ियाँ देख लीजिए आप, पौधे लगे हुए हैं, सीधा ऊँचा ऊँचा पहाड़ है, और बाकी नीचे की तरफ जा रहा हूँ, उधर से जिधर से आया था उधर ही मंदिर है, और यहाँ से आपको दिख रहा है भाई,
ये देखिए कुत्ते भी सैर करने आए हैं। ये रुक गया, मैं रुक गया तो ये भी रुक गए। ये देखिए ये पहाड़ है, मंदिर में आ चुका हूँ मैं, ये मंदिर से आपको दिखा रहा हूँ, मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ। देखिए ये मंदिर है, इधर से आपको दिखाया था, अभी और भी दिखाता हूँ पहाड़ियाँ। थोड़ा मंदिर में देख लेते हैं क्या क्या है। इधर पीछे की तरफ ये मंदिर है, अभी जाऊँगा पीछे की तरफ दिखाऊँगा। वो पुल जो दिख रहा है पीछे, वहीं से मैं दिखाया था मंदिर को, अभी इधर आ गया, अब यहाँ से पुल दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, अभी खड़ा था। चलिए पीछे साइड दिखा देते हैं आपको क्या है। ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के बगल में और भी धार्मिक स्थल है। जैसे देखिए आपको मस्जिद दिखाता हूँ, ये जो गुंबद दिख रहा है ऊपर मस्जिद है, मंदिर के बगल में ही है। बाकी और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ये मंदिर दिख रही है आपको, और यहाँ से देखिए ये पीछे है। अभी कुछ कार्य चल भी रहा है मंदिर का, पीछे पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, अभी और पहाड़ियाँ दिखाते हैं आपको। चलिए अब मंदिर के बाहर चलते हैं। आ गया हूँ मंदिर के बाहर, और ये देखिए रात में कैसे दिख रहे हैं आपको पहाड़। अब अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे, और अब मेरे को वापस भी जाना है। लेट आया था थोड़ा, फिर भी 1.5 घंटे तो हो ही गए हैं आए हुए। थोड़ा चलने में टाइम लगता है, टहलने में आपको अभी आपको पैनोरमा व्यू में दिखाऊँगा। देखिए मैं मंदिर के गेट से बाहर आया था, मैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, घूमने में मस्त मज़ा आता है, बहुत ही रमणीय स्थल है। आप भी आइएगा घूमने के लिए। जब आपको नैनीताल घूमना होगा तो आपको काठगोदाम स्टेशन या हल्द्वानी स्टेशन उतरना पड़ता है, और वहाँ से बस लेके आपको नैनीताल जाना होता है। नैनीताल कभी जाऊँगा तो वहाँ का भी ब्लॉग वीडियो बनाऊँगा नैनीताल का, उसको देखिएगा और मेरे चैनल पर अपलोड होगा। और भी अगर घूमने जाऊँगा तो वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। ये देखिए आपका यहाँ पे हम बैठते भी हैं, मंदिर के आगे परिसर में बैठने का जगह भी बना हुआ है, कुछ बेंच लगे हुए हैं वहाँ पर बैठते हैं। जैसे पुल पे खड़ा था मैं, इससे पहले आपको दिखाया था, वीडियो स्टार्ट किया था। तो यही सब है, यहीं सब घूमते हैं। देखिए और ये लाइटिंग दिख रहा है आपको, पहाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी आपको पैनोरमा व्यू भी दिखाऊँगा, पैनोरमा व्यू में और मज़ा आएगा आपको। चलिए अब वीडियो लगभग ख़त्म ही होने वाला है। ये देखिए रात का व्यू, मुझे लगता है पूरा उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे, और आपका मन भी हो रहा होगा कि घूमने आएंगे यहाँ पे, तो ज़रूर आइएगा घूमने, मस्ट वेलकम है आपका काठगोदाम में। और ये आपको जूम करके दिखाया पहाड़ियाँ, ये तो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं अभी, बहुत छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। नैनीताल जाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा। ये देखिए चंद्रमा दिखाई दे रहा है, मतलब शाम ढल चुका है, रात आने वाली है, और हमारा भी आज का सफ़र ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। और ये देखिए आपका पैनोरमा व्यू है ये, और देखिए आपको मज़ा आ रहा है, देखिए कैसा लिया गया है, लगभग 210-220 डिग्री तक तो हो ही जाता है पैनोरमा व्यू में। और ये देखिए आपको वहाँ घुमा के दिखा रहा हूँ पहाड़ियाँ। चलिए वीडियो ख़त्म होने वाला ही है, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। जल्दी आएगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग, आप जुड़े रहिएगा हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।